हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ अनदर वीडियो न्यू चैनल जिसका नाम है CE&T सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, आज वीडियो में सिखाऊंगा बुर्जी का लेआउट, कैसे आप बुर्जी बनाएंगे, किस तरह से आप फाउंडेशन का लेआउट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, फाउंडेशन में लेआउट करने के बाद आप उसमें किस तरह से कॉलम का लेआउट करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, बुर्जी बनाते हैं। बुर्जी बनाने के बाद आप फिर चूना वूना डालते हैं, खुदाई करते हैं। ओके फ्रेंड्स, स्टेप टू स्टेप वाइज बताऊँगा। ओके फ्रेंड्स, बुर्जी से आप किस तरह से आपको कॉलम का लेआउट करना है, किस तरह से आपको फाउंडेशन का एक्सकावेशन एंड फुटिंग की डेप्थ एंड आपको फुटिंग पर कॉलम का लेआउट मार्किंग किस तरह से करनी है। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो की सहायता से आप कितने से बड़ी कितना लंबा टावर हो उससे आप लेआउट करवा सकते हैं। सपोज कीजिए, देखो फ्रेंड्स जो ये फ्लैट्स हैं, देखो फ्रेंड्स इसमें दो स्टेप्स हैं। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक एक्सपेंशन जॉइंट बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक एक्सपेंशन जॉइंट बन जाएगा। तो इस तरह से क्या आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मिनिमम गैप जो आएगा मिनिमम 2 इंच का देते हैं, मिनिमम 50 mm का गैप देते हैं जो दो कॉलम के, सपोज कंटिन्यू ये बिल्डिंग चलती रहती है। ओके फ्रेंड्स ये ग्रिड लाइन है, तो मिनिमम फ्रेंड्स ये 5 फ्लैट्स हैं। ओके फ्रेंड्स, सपोज 1 2 3 यहाँ से यहाँ तक फ्रेंड्स, यहाँ पर ये 1 होगा 1, बट इन दोनों का एक ही कॉलम रहेगा। ये बिल्डिंग जहाँ एक्सपेंशन जॉइंट देंगे फ्रेंड, 4th पर दिया है, 1st 2nd एंड ये 3rd, ये 4th। ओके फ्रेंड्स, ये 4th है, तो 4th के बाद हमें यहाँ पे एक एक्सपेंशन जॉइंट देना है जो कॉलम पे कंटिन्यू बिल्डिंग चलती रहेगी। यहाँ पे मिनिमम 5 mm का देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैं फ्रेंड्स आपको सिंगल का बता देता हूँ। यहाँ पे सिंगल का आप लेआउट कर लेंगे तो आप पूरा कर सकते हो। अगर लेआउट फ्रेंड्स आपका इस कंडीशन में है, कहीं पे कॉलम है, कहीं पे इधर नीचे अंदर बाहर है, अंदर बाहर है, तो उसको कॉलम का लेआउट कैसे करेंगे। ओके फ्रेंड्स, देखिए इन कॉलम का लेआउट भी आपको करना है, एक्सकवेशन करना है, खुदाई हो जाएगी, PC हो जाएगी, उसके बाद आपको लेआउट करना है इसका। मेन सबसे पॉइंट तो बात है कि आप एक्सकवेशन खुदाई कैसे करवाएंगे, खुदाई होने के बाद अगर हो भी गई तो फिर नीचे लेआउट मार्किंग कैसे लेंगे। तो मेथड फ्रेंड्स आपको बुर्जी का लेआउट मेथड आपको बहुत काम आएगा। इसके साथ से अगर आप घर बना रहे हैं, कोई अपना पर्सनल घर बना रहे हैं, उसके लिए भी फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा मेथड है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और किसी अगर पता आपको लगता है कि दूसरे के मेरी इसके शेयर करने से दूसरे की हेल्प हो सकती है तो फ्रेंड्स उसको भी शेयर कर देना। ओके, तो सब फ्रेंड्स मैंने ग्रिल प्लान बना दिया, ओनली प्रिंट ग्रिल प्लान। तो फ्रेंड्स हमें सबसे पहले क्या देखना है, मैंने फ्रेंड्स अगर ये रेक्टेंगल में है, अगर ये रेक्टेंगल में है, चारों तरफ कॉर्नर कॉलम है फ्रेंड्स, उसकी मैं बना चुका हूँ वीडियो, अब उसमें अच्छे से क्लियर देख सकते हैं। मैं अब बना रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर आपकी जगह पर है, यहाँ पे ये कॉलम इधर है, ये छोटे फिर कॉलम इधर हो गए, तो इनका कॉलम का लेआउट फ्रेंड्स किस तरह से करेंगे। ओके, हम इसकी ग्रिड प्लान फ्रेंड्स ये है, अगर मैं डिस्टेंस दिखाया तो बहुत छोटा होगा, बट हमें क्या करना है फ्रेंड्स, कंडीशन देखो क्या है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ से इसकी चौड़ाई कितनी है, बाहर से बाहर तक की आउटर चौड़ाई यहाँ से देखना है फ्रेंड्स। सबसे पहले पॉइंट की बस ये याद रखना कि ये आउटर लाइन आपको दे देगा वो, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये आउटर यहाँ पे ग्रिड लाइन दे दिया उसने इसकी, एंड ये आउटर दे दिया उसने। ओके फ्रेंड्स, ग्रिड लाइन आपको दे दिया उसने यहाँ से यहाँ तक, ये आपको ग्रिड लाइन आपको प्लान में मिल जाएगी, लेआउट प्लान में। ओके फ्रेंड, ये लेआउट प्लान आपको बहुत काम आएगा, रेनफोर्समेंट निकालने में, शटरिंग निकालने में, आपको ब्रिक वर्क निकालने में भी। ब्रिक वर्क जो होती है उसमें ब्रिक वर्क में डायमेंशन गिवन होती है, आपको गिवन में जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही आपका ये हॉरिजॉन्टल हो गया एंड ये आपकी वर्टिकल। ओके, तो जैसे ही वर्टिकल ग्रिड मैंने सब फ्रेंड्स बना लिया है, अब आपको कॉलम फ्रेंड्स यहाँ पर है, यहाँ पर 1st 2nd 3rd, यहाँ पे 1st 2nd, ये आपकी 3rd है, फिर यह 4th 5th 6th, इस तरह से है फ्रेंड्स। सपोज़ कीजिए आपका कोई कॉलम है यहाँ पर, इधर कॉलम आपका, ओके, और सेकंड कॉलम आपका इधर है, उसके बाद आपका फिर इधर भी कॉलम है, और आपका फिर यहाँ पे कॉलम है इधर, इसके सामने आएगा कोई ब्रिक वर्क होगा तो सामने, तो इधर। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको कॉलम ले देता हूँ, फिर आपको डिनोट कर देता हूँ इधर, कुछ इस तरह से आपको कॉलम मिल जाएंगे। इस कंडीशन में आपके अगर कॉलम है तो उसका लेआउट करना है फ्रेंड्स, बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, सबसे अब ये देखना फ्रेंड्स, ये कॉलम है आपके, इनके लेआउट मार्किंग करनी है आपको। तो इस कंडीशन में फ्रेंड्स सबसे पहले ये देखना है आउटर यहाँ से एंड इस कॉलम से आउटर डायमेंशन क्या है। सपोज़ कीजिए फ्रेंड्स मैं ले लेता हूँ 30 मीटर। ओके, यहाँ से बाहर तक 30 मीटर ले लेता हूँ, और फ्रेंड्स ये हॉरिजॉन्टल की जो डायमेंशन है मिनिमम ले लेता हूँ मैं फ्रेंड्स 10 मीटर। ओके, 10 मीटर ले लेता हूँ। बस अब हमें ये देखना है 10 एंड
और ये होगा 30, ये होगा 10। इसका सबसे पहले आप यहाँ पे बुर्जी बना लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको ड्राइंग प्लान लीजिए, ओनली बेस आप कोई सा भी बेस बना लीजिए। यहाँ पे सपोज कीजिए आपने ये फर्स्ट बेस बना लिया है, यहाँ पे आप बुर्जी बनाइए, ये कॉलम को भी भूल जाइए। सबसे पहले आप एक्सकवेशन करना है, इसी से आपको खुदाई करनी है, खुदाई होने के बाद आपको पीसीसी पर भी इसका लेआउट करना है। सबको कॉलम की डायमेंशन भूल जाइए, बस ये याद रखिए कि आपको ग्रिड प्लान क्या गिवाना है। ओके फ्रेंड्स, कॉलम को बिल्कुल ये कॉलम की डायमेंशन भूल जाइए। सबसे पहले आपको एक्सकवेशन करना है, एक्सकवेशन के लिए फ्रेंड्स आपको बिल्कुल मार्किंग सही आनी चाहिए। सबसे पहले एक्सकवेशन के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले बुर्जी बना लीजिए यहाँ पे इस कॉर्नर पे कॉलम। ओके, ये बुर्जी आउटर आउटर बना लीजिए या कॉलम अंदर कहीं पे भी हो, सबसे पहले बस आउटर की बुर्जी बनाइए, आउटर कॉलम की। ये आपके यहाँ पे है, ये कॉलम आपके अंदर कहीं पे भी हो, बस जो ये ग्रिड लाइन है इसके सामने वाला, इसके सामने की आप यहाँ पे एक बुर्जी बनाइए, इसके सामने है एंड ये सामने है, तो एक बुर्जी यहाँ बनाइए। बिल्कुल आपको इसको रेक्टेंगल शेप में बना लीजिए, यहाँ पे सीधा जाएगा, यहाँ पे एक बुर्जी यहाँ बनाइए। सबसे पहले क्या करना है, आपको बेस लाइन चाहिए, इसकी लेंथ चाहिए, ये आपने लेंथ बना ली ना फ्रेंड्स, यहाँ पे लेंथ। अगर आपकी बुर्जी ये सब देखिए, अगर आपकी ऊपर टॉप पे खुदाई होने के बाद भी अगर ये बुर्जी इन अगर आपके पास ये दो बुर्जी है ना, ये दो नहीं है तब भी आपका काम चल जाएगा। अगर ये दो हैं, ये दो नहीं है तो तब भी आपका काम चल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर ये और ये कॉर्नर की है तो आपका काम नहीं चल सकता इससे। ओके, तो फ्रेंड्स तो देखते रहिए इसमें क्या करना है। फ्रेंड्स आपको ये लेना है, सबसे पहले आपको ज़मीन पर ही पहले लेआउट कर लीजिए, ज़मीन पर ही आप लेआउट करना है। ये बुर्जी बना लीजिए, आपको आपके लैंड पर ही कॉलम का बुर्जी बनाइए। सबसे पहले बेस लाइन लीजिए, 30 मीटर आपकी बेस लाइन ड्राइंग के अकॉर्डिंग। जैसे सपोज कि यहाँ पे कोई ड्रेन है या फिर आपका कोई रोड है, आपको ड्राइंग में गिवन दे देगा यहाँ पे, उससे डिस्टेंस नाप लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो बेस लाइन आ गई, इस बेस लाइन पे फ्रेंड्स 90 डिग्री का एंगल बनाना है 3-4-3-4-5 रूल मेथड से। सपोज कीजिए आपने यहाँ पे बनाया कोई 5 मीटर, ओके, फिर यहाँ पे आपने 4 मीटर, 3-5 रूल मेथड है। ओके, यहाँ पे आपने लिया 3 मीटर, तो आपने फ्रेंड इसको रेक्टेंगल बना दिया है। ये चाहिए फ्रेंड्स 5 मीटर, आपको 5 मीटर चाहिए। यहाँ से भी आपको बिल्कुल अच्छे से इस यहाँ पे क्या करना है, इस बुर्जी पे आपको धागा बांधना है। बिल्कुल ये क्रॉस आपने क्या किया है, ये वाला लाइन मार्क की है इस कॉलम, इस बुर्जी पर, इस बुर्जी पर भी फ्रेंड्स आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने ये वाली लाइन मार्किंग किया, ओनली ये वाली। ओके, यहाँ पे ये वाली लाइन इसी से तो आई आपकी ये स्ट्रेट लाइन। अब क्या करना है फ्रेंड्स, इस वैसे इसको धागा बांधना है, बिल्कुल स्ट्रेट धागा बांध दीजिए, धागा बांधने का कोई ट्वीट गिरा दीजिए। उसके बाद यहाँ पे कोई मार्क ले लेना है, पहले फ्रेंड्स छोटी छोटी बुर्जी बना लीजिए, कुल एक या दो रद्दा बस, क्योंकि आपको ये टेम्परेरी बुर्जी है, इसको आपको उखाड़ना है। या फिर सिंगल रद्दा ले लीजिए, सिंगल रद्दा पे आप मसाला बिछा लीजिए, अच्छा मोर्टार, उसके बाद सीमेंट डाल के मार्किंग पतली पतली मार्क ले लेना है, लाइन धागे से ही लाइन आएगी। मसाला बिछाने के बाद यहाँ पे यहाँ का धागा मीट पीटने के बाद उसको धागा अपनी ट्रोवेल से आधे से बना दबा दीजिए। होने के बाद यहाँ पे आपको फ्रेंड्स क्या चाहिए, फिर अब 4 मीटर। ओके फ्रेंड्स, आपको 4 मीटर, अब यहाँ से आपको टेप पकड़ना है, यहाँ से टेप पकड़ना है इस लाइन मार्किंग से। आपको इधर भी कोई कोई बुर्जी बना दीजिए, इस बुर्जी से छोटी बुर्जी बन गई, क्योंकि बुर्जी इसलिए बनाते हैं फ्रेंड्स, उससे आप एग्जैक्ट मार्किंग मिल जाएगी, एग्जैक्ट पॉइंट में मिलेगी, पॉइंट में। अगर टेम्परेरी लेआउट करोगे तो फ्रेंड्स आपको कॉलम कोई लाइन इधर जाएगी, ये कॉलम इधर जाएगी, ये आपका राइट एंगल आएगा भी या नहीं आएगा गारंटी नहीं होती है। तो धागा बना लीजिए बिल्कुल अच्छे से, कोई बुर्जी बनाकर यहाँ पे स्ट्रेट मिला दीजिए वाला चीज़, यहाँ से 4 मीटर इसको काट दीजिए लाइन को, यहाँ पे लाइन को, और यहाँ पे फ्रेंड्स क्या आएगी, ओनली ये आर्च आएगी, यहाँ पे लाइन नहीं आएगी, ओनली आर्क आएगी आर्च। फिर जो ये आर्च आई है, जो ये पॉइंट काटा है, इस पॉइंट से 5 मीटर इस आर्च को काटिए, 5 मीटर से बिल्कुल पॉइंट 5 मीटर आर्च को काटिए, आपका ये फ्रेंड्स पॉइंट कट जाएगा। तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन मिला लीजिए। ओके, ये स्ट्रेट लाइन मिलाने के बाद आपको पता है कि जितना भी मिलाइए इस पॉइंट से, यहाँ पॉइंट पे एक बुर्जी बनाइए, कितने मीटर पे, 10 मीटर पे, इस पॉइंट से यहाँ बुर्जी पे लाइन वो काट दीजिए, 10 मीटर आपको लाइन कट गई, इस बुर्जी पर पॉइंट आपको मिल गया 10 मीटर का, क्लियर। ये लाइन भी हो गई आपकी, ये लाइन भी हो गई, बस सिंपल है। फिर यहाँ से आप 30 मीटर पे एक बुर्जी दोबारा बनाइए, 30 मीटर से 0 पॉइंट से आपको यहाँ पे ऐसे काटिए, ये लाइन काटिए बुर्जी पर, लाइन मिला दीजिए, ऐसी अगेन यहाँ पर बुर्जी है। तो इससे अब क्या करना है, इससे 30 मीटर पर जब तक मिलाना है, जब तक ये बुर्जी तब तक सेट करनी है, पहले टेम्परेरी सेट कर लीजिए, तब तक ये आपका टेप यहाँ से, या फिर दो टेप ले लीजिए फ्रेंड्स आप, सबसे आसान रहेगा दो टेप लेने पर, एक 30 मीटर का ले लीजिए, एक 10 मीटर का, दोनों को क्रॉस कर दीजिए। पहले यहाँ पे
टेम्परेरी क्लोज कर लीजिए, फिर पॉइंट धागा पकड़िए, पॉइंट फीता पकड़िए, 10 मीटर का बारीक करनी से निशान मार दीजिए, फिर यहाँ से बारीक करनी से निशान मार दीजिए। ये भुर्जी का बिल्कुल आउटर आउटर लेआउट मिलेगा। अगर आपका आउटर आउटर लेआउट मिल जाएगा, अगर कॉलम कहीं पर भी हो, कहीं पर भी, चाहे आपका कॉलम यहाँ लंदन में क्यों ना हो, तो आप इसका यहाँ इसका भी लेआउट कर लेंगे आप। यहाँ अगर यहाँ पर भी कॉलम होगा तो, अगर यहाँ पर कॉलम होगा ना, इसका भी आप लेआउट कर लेंगे इन चारों की सहायता से ही। बस सपोज मेन, सबसे मेन है कि आपको आउटर लाइन होना। आउटर लाइन मिल गई, बस एक तरफ आप डिस्टेंस यहाँ पे लेंगे, एक डिस्टेंस यहाँ पे लेंगे, ओके ये क्लोज कर देंगे। अब आप देख, अब यहाँ पे एक डिस्टेंस यहाँ पर लेंगे, इधर एक डिस्टेंस यहाँ पे लेंगे, ये क्लोज कर देंगे। यहाँ पे आप देखना है ये कॉलम, सपोज़ कीजिए 115 mm इधर है, 115 इधर कर देंगे इस ग्रिड लाइन से। इस ग्रिड लाइन से कितना है, 115 इधर कर देंगे, तो बाकी इधर आ जाएगा, तो आपका कॉलम बन जाएगा यहाँ पे मार्किंग लाइन। सिंपल आपका लिए कॉलम मार्किंग हो गई। अब क्या करना है फ्रेंड्स, इस पॉइंट से धागा पकड़ कर इसको एक्सटेंड कर लीजिए 2 मीटर। ये बस ये ध्यान रखना है कि आपके फाउंडेशन की डेप्थ कितनी जाएगी फ्रेंड्स। अगर 2 मीटर से ज़्यादा जाती है या 2 मीटर से ज़्यादा जाएगी नहीं वैसे, अगर आप बिल्कुल उसका फुटिंग का, जैसे बिल्डिंग का लेआउट कर रहे हैं, बिल्डिंग एक्सकावेशन मिनिमम बेसमेंट भी बनता है, तो फ्रेंड्स जितनी दूर होगा उतनी अच्छा रहेगा, ये जितनी दूर बनेगा उतनी अच्छा रहेगा। ये डिपेंड नहीं करता कि आप 5 मीटर ले रहे हैं, 3 मीटर ले रहे हैं, ये दूर कितनी दूरी हो। यहाँ पे ये लाइन मार्किंग जो आपने यहाँ पे की है, सपोज़ कीजिए यहाँ पे 2 मीटर ले लीजिए, वो डिपेंड करता है आपकी एक्सकावेशन पे। एक्सकावेशन होने के बाद आपकी भुर्जी बच जानी चाहिए बस यहाँ से। सपोज़ कीजिए यहाँ पे एक्सकावेशन हो चुका है खुदाई, यहाँ तक आपकी फुटिंग आनी है, यहाँ तक आपकी फुटिंग आनी है, तो मिनिमम थोड़ा एक्सटेंड खोदोगे थोड़ा टेपर करने के लिए, तो बस उससे भुर्जी बच जाए। ऐसे ही इस लाइन से, इस पॉइंट से, ये पॉइंट आपको चाहिए उस भुर्जी पर, तो क्या करेंगे, इस पॉइंट से यहाँ पे धागा पकड़िए, बिल्कुल इसको मिला दीजिए इस भुर्जी तक। अब यहाँ पे सोल डालिए, 3 पॉइंट जब तक तब तक नहीं मिलते हैं जब तक आपको तीनों पॉइंट बिल्कुल सीधे ना हो। 2 पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट मिलाने के लिए आपको यहाँ पे ये पॉइंट बिल्कुल सोल में चाहिए। और कोशिश कीजिए भुर्जी थोड़ी ऊँची हो और चौड़ाई ज़्यादा हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो। एक सरिया काट लीजिए पहले भुर्जी, तो उधर हिलेगी नहीं, फिर उसके बाद भुर्जी बना लीजिए, स्ट्रेट रहेगी। ओके बढ़िया, अच्छे से बिल्कुल मजबूत बनाना है। ऐसे ही आपको ये वाली भुर्जी मिल गई, अगेन इस भुर्जी पर धागा पकड़िए, इस भुर्जी पर धागा मिलाते हुए एक भुर्जी यहाँ बना दीजिए, कम से कम ये भी डिस्टेंस। इसका जो मार्क करेंगे यहाँ पे एक लाइन काटेंगे, ये वाली धागा मिलाने के बाद ये लाइन काटेंगे, तो फ्रेंड्स ये भी आपका आना चाहिए 2 मीटर। ओके फ्रेंड्स, ये भी आपने धागा मिला लिया, ये भी धागा आपकी भुर्जी इस पॉइंट से 2 मीटर हो गई, ये भुर्जी 2 मीटर हो गई। बिकॉज आपको कॉलम फाउंडेशन में लेआउट चाहिए, नीचे लेआउट चाहिए आपको, इन भुर्जी से आपका नीचे लेआउट मार्किंग आएगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये देख लीजिए, ये भुर्जी मिलाने के बाद ये लाइन मिलनी चाहिए धागे में, जैसे आप धागा मिलाएंगे सीधा ये लाइन मिलना चाहिए एंड ये पॉइंट मिलना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही मेथड चारों तरफ करना है। यहाँ पे धागा मिलाने के बाद ये वाला पॉइंट मिलाने के बाद एक भुर्जी यहाँ पे जो बनाई है आपने, ये इस पर भी आप ये पॉइंट चाहिए आपको। ओके बिल्कुल सीधा मिला दीजिए, करनी दबा दीजिए, ये सीधा मिलाइए यहाँ पे, करनी दबा दीजिए, ये आपको लाइन ये वाली लाइन मिल जाएगी फ्रेंड्स, ये लाइन मिल जाएगी आपको सीधी वाली। ऐसे ही अब आपको ये करना है, यहाँ पे धागा मिला दीजिए, भुर्जी बनाइए बिल्कुल सीधा, यहाँ पॉइंट पर पकड़िए धागा, यहाँ पॉइंट पकड़िए, यहाँ पे यहाँ भी मिला देना है, यहाँ पे करनी धागा बिल्कुल। आपको लाइन कौन सी मिलेगी, ये वाली लाइन, यहाँ पे बिल्कुल सीधा पकड़ के रखिए, दाबी दिए कर लीजिए, पॉइंट मिला दीजिए, चेक कर लीजिए पॉइंट आपको मिल रहे हैं सोल में। ओके, और एक बात और, जब आपने भुर्जी बनाई थी यहाँ पे, ये भुर्जी बनाई थी, उसमें एक बार चेक कर लेना है कि जो ये लाइन है सही है, या फिर एक काम कीजिए थोड़ा और, अगर फीता इतना बड़ा तो होगा नहीं आपके पास, तो एक काम कीजिए थोड़ा बड़ा कोई और वो कर लीजिए, इसको धागे को, भुर्जी को यहाँ पे धागा बांध दीजिए एंड इस भुर्जी पर धागा बांध दीजिए। धागा बांधने के बाद थोड़ा बड़ा लेआउट चेक कर लीजिए, तो सपोज़ कीजिए आपने यहाँ पे लिया 12 मीटर, ये आपका 12 मीटर है, 12, 9, 12, 15 का भी आप लेआउट चेक कर सकते हैं। 12 मीटर यहाँ पे आपने लिया 9 मीटर, क्योंकि आप इसमें 9 मीटर 10 मीटर है, 9 मीटर आपका लगभग यहाँ तक आएगा, चेक कर सकते हैं आप 9 मीटर एंड ये लगभग सब समथिंग यहाँ बीच में आएगा 12 मीटर यहाँ तक। ओके, ये आपका डिस्टेंस 12 मीटर। फिर अब यहाँ से ये चेक करना है कि ये 15 मीटर आना चाहिए, ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर आना चाहिए। ओके, बस आपका एक कॉर्नर चेक हो गया, अगर ये कॉर्नर चेक हो गया ना फ्रेंड्स, आपका ये चीज़ राइट एंगल में है। ऐसे ही फ्रेंड्स आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, यहाँ पे इन दोनों में भी, ये दोनों में चेक कर लीजिए, तो ये दोनों भी आपका 12 मीटर मिल रहा है, 15 मीटर मिल रहा है नहीं, तो फ्रेंड्स आपका अगर ये दो कॉर्नर चेक हो गए तो पूरा आपका गुनिया राइट एंगल में है। इस तरह आप भुर्जी को आप बाहर बाहर उतार लीजिए एंड ये कॉलम की मार्किंग कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तब तक मिलते, ओके आपका लेआउट हो जाएगा। ऐसे आप
लाइनिंग से मिलाते जाएंगे, आपकी बस आउटर आउटर लाइन मिल गई। अब लेफ्ट से बस सिंपल है आपको लेआउट करना, इस कॉलम से ये कॉलम का डिस्टेंस क्या है, दोबारा से पीसीसी हो गई, पीसी हो सी होने के बाद आप दोबारा लाइन उतार लीजिए, ये वाला पॉइंट नीचे उतार लीजिए, ये वाला पॉइंट नीचे उतार लीजिए। बिल्कुल सिंपल क्या है, यहाँ से यहाँ धागा पकड़ना है, यहाँ पे पॉइंट डाल दीजिए, कहीं पे भी आओ नीचे धागा पटक देना है। सपोज कीजिए आपका धागा नीचे जो पीसीसी पे डाला आपने यहाँ पर डाल दिया है, बल्कि यहाँ के ना बजाय यहाँ पर डाल दिया है, और ऐसी धागा आपने यहाँ पर डाल दिया पॉइंट, कोई सवाल से पॉइंट डल गया तो ये धागा बस आपको मिला देना, पिटक पिट देना है। ओके, ऐसे यहाँ से धागा पीट देंगे। सपोज कीजिए आपने यहाँ पे धागा पकड़ा एंड यहाँ पे बुर्जी धागा पकड़ा, बिल्कुल टाइट आपने सोल गिराया यहाँ पर, फुटिंग समथिंग समथिंग यहाँ फुटिंग है, बल्कि यहाँ पे नहीं गिराया, यहाँ पे गिरा दिया है, इसको धागा पकड़िए, क्रॉस कर जाएगा ये वाला धागा एंड ये धागा आपको यहाँ पे जीरो पे क्रॉस करेगा, यहाँ पे आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। ऐसे ही आपको धागा पकड़ना है, बिल्कुल सोल डाल देना है, ये वाली लाइन मिल जाएगी, ऐसे ही ये लाइन मिल जाएगी यहाँ पे, तो ये आपको पॉइंट फ्रेंड्स यहाँ पे क्रॉस करेगा। ये जरूरी नहीं कि आप यहाँ से दो मीटर नापोगे तभी आपका ये आएगा, बुर्जी से दो मीटर नापोगे तभी यहाँ पे आएगा, नहीं, बस ये क्रॉस कर दोगे, ये लाइन क्रॉस कर दोगे, जहाँ पे भी आप ये लाइन मिला दीजिए, बस ये लाइन मिला दीजिए, नीचे आपका क्रॉस ऑटोमेटिक ही आपका ये ऑटोमेटिक क्रॉस यहाँ पे जीरो पे करेगा। ओके, अब आपका कॉलम है यहाँ पे, ये लाइन आपको मिल गई है, इस कॉलम से ये कॉलम फ्रेंड्स यहाँ पे आप मार्क कर लीजिए ग्रिड लाइन हमेशा सभी, यहाँ पे सपोज कीजिए इस ग्रिड लाइन से ये ग्रिड लाइन 5 मीटर, इस ग्रिड से लाइन ये आपकी 5 मीटर, यहाँ से यहाँ पे ग्रिड लाइन 5 मीटर, पॉइंट काटते रहिए इस लाइन को 5 मीटर, ऐसे यहाँ पे कॉलम को 5 मीटर काट दीजिए, जो जो भी आप ग्रिड लाइन बनी हुई है, एक ग्रिड लाइन ये है, 2 3 4 5, पांचों ग्रिड लाइन आपको यहाँ पे उतार लेना है, ये सभी ग्रिड, ये सारी ग्रिड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सभी आपको नीचे इस लाइन पे मार्क कर लीजिए, बस इस लाइन पे आप मार्क कर लीजिए, यहाँ से धागा पकड़िए, आपको नीचे पॉइंट मिल गया है, यहाँ से धागा पकड़िए, ये मार्क कर लीजिए, यहाँ से धागा पकड़िए, ये ग्रिड ग्रिड का एक ही फीता हमेशा याद करना, 30 मीटर का एक ही फीता आपको याद करना, अगर ये 5 मीटर है तो यहाँ से यहीं धागा पकड़े रखिए जीरो पर ही, तो 5 ये प्लस कर दीजिए 10, अगर ये 5 ग्रिड है डिस्टेंस अंदर से अंदर, अगर इसका भी अंदर से अंदर डिस्टेंस है 2 मीटर, तो 5 5 10 12, तो यहाँ पे 12 मीटर का लगा दीजिए, एक फीता यूज करेंगे तो फ्रेंड्स आपसे मिस्टेक नहीं होगी। ओके, इस पॉइंट में एनी क्वेश्चन है, एनी क्वेरी है तो फ्रेंड्स कॉमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख देना, मैं वो नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, अगर इसमें कुछ रह गया है या फिर आपके कुछ समझ में नहीं आया है तो फ्रेंड्स मैं वीडियो बना दूंगा, इस तरह से आप कॉलम का लेआउट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने हमारे साथ, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।